चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ये ले यार टोनी, ये सेब मांग कर लाया हूँ ठेले वाले से, बड़ी मुश्किल से। क्या जिल्लत वाली जिंदगी हो गई हमारी यार। अबे मोती, अभी मैंने ना बुलबुले वाले को ना एक बड़ी सी गाड़ी में इस घर में जाते हुए देखा है। अबे रहने दे, क्या बातें कर रहा है यार। कसम से यार, इन लोगों के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया अचानक? अबे जिसने बुलबुले में काम किया है उसके पास पैसा आ गया है, सिवाय हमारे, हमारा तो धंधा ही बंद हो गया। हाँ यार, पाका कशी किसी जिंदगी गुजर रही है यार। एक काम करते हैं, बुलबुले वालों के घर पे चल के ना वो कुछ पैसे मांग लेते हैं। हाँ यार, कुछ दिन तो कम से कम सही से गुजर जाएंगे। अबे यही तो कह रहा हूँ मैं भी। थक गए यार। हाँ जानू थक गए। लो फिर इसी बात पे गरम गरम चाय पिला दो। मोमो खुद बना के ला। माँ जी, चाय बनाने में ऐसा क्या है? चाय तो खूबसूरत भी बना लेती है, क्यों जानू? नबील कान खोल के मेरी बात सुन लो, मैं घर का कोई काम नहीं करने वाली। आप भी नाक खोल के मेरी बात सुन ले नवेद, मुझसे भी घर का कोई काम नहीं होता। वो यार, अगर आप लोग घर का काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? अरे भाई नौकर रखो, इतने दिन हो गए तुम लोगों से नौकरों का बंदोबस्त नहीं हुआ। मैं मूसा, मैंने आपसे कहा था कि नौकर का बंदोबस्त करें, आपसे एक काम नहीं होता, मैंने कान फूट देने आपके। यार नबील, मैंने नौकर का बंदोबस्त करने के लिए किसी को कह दिया हुआ है। किसको? अरे बस बोल दिया ना किसी को, हो जाएगा। देख लिया जानू, कह दिया ना मुलाजिम का, अब उठो चाय बनाओ। शाबाश। शट अप नबील। ओके जानू। जाओ मोमो, दरवाजे पर देखो कौन है। मैंने आपको बोल दिया था सोहेल भट्ट कि मैं बिल्कुल कोई काम नहीं करूंगी। ओ यार माँ जी, दरवाजा खोलना भी कोई काम है यार? काहली की हद होती है यार। जानू तुम देखो यार कौन है बाहर। मैं भूसा हूँ यार, चाहे ना देखे बाहर कौन है यार। आपको सुनाई नहीं देता उठे? अच्छा यार, मैं भी थका हुआ आया था। अरे पता है हमें, आप थके हुए हैं। अरे महमूद साहब मुबारक हो। मेरी तरफ से भी मुबारक हो। अरे किस बात की मुबारक बात? महमूद साहब, आप लोग इतने अमीर जो हो गए। ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम लोग कौन हो भाई? अरे महमूद साहब, आपने पहचाना नहीं, ये अपना टोमी है टोमी। और तुम कौन हो भाई? अरे मैं आपका मोती। अरे कौन टोमी कौन मोती? मेमू साहब, हम लोग बुलबुले के किडनैपर हैं, टोनी और मोती। अच्छा हाँ। देखा, मैंने तुझे कहा था ना कि महमूद साहब हमें देखते ही पहचान जाएंगे। तुम लोग यहाँ किडनैपिंग के लिए आए हो? अरे नहीं महमूद साहब, वो काम तो हमने कब का छोड़ दिया है, अब हम सुधर गए। यार ये तुमने बड़ी अच्छी बात की। क्या खाक अच्छी बात है महमूद साहब, जब से शरीफ आदमी बने फाके कर रहे, जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है और कोई काम भी नहीं है हमारे पास। तू यहाँ क्यों आए हो? महमूद साहब, अगर थोड़े से पैसे मिल जाए ना तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हाँ महमूद साहब, आपके पास तो बड़ा माल आ गया, थोड़ा हमें भी दे दे। अरे ये माल किसी जिन ने नहीं लाके दिया हमें, अरे दिन रात मेहनत करके कमाया है। बात सुनो, मैं इस तरह के भीख मांगने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। ओ घटिया आदमी, तू महमूद साहब से भीख मांग रहा है? मदद मांग मदद। महमूद साहब थोड़ी मदद कर देना। अरे शर्म करो, हट्टे कट्टे हो, अरे कोई काम वाम करो जाके। कोई हमें काम भी तो नहीं दे रहा ना महमूद साहब। अरे तो काम मैं दे देता हूँ तुम्हें, हमें वैसे भी दो नौकरों की जरूरत है। अच्छा तो फिर चले। अरे कहाँ चले, अंदर बताए ना क्या काम करना है। अरे इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ ये अमीरों के घर काम कर रहे हो, पहले इंटरव्यू होगा फिर नौकरी मिलेगी। तो लेना इंटरव्यू अभी। अरे ऐसे कैसे ले ले इंटरव्यू, है पागल हो गए हो क्या? अरे हम फारग बैठे हुए, कोई पहले टाइम लो फिर इंटरव्यू होगा। तो फिर कब आए महमूद साहब? ठीक 5 मिनट के बाद आना। नबील नबील मुबारक हो। वो क्या हुआ महमूद साहब? अरे हम पूरे शहर में नौकरों को ढूंढ रहे थे, अरे हमारे दरवाजे पे खुद चल के आ गए। अब तो खुश हो ना जाने। अरे नबील पहले पता तो कर लो कि कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। अरे अपने देखे वाले हैं, भरोसे वाले लोग हैं। नहीं लेकिन हैं कौन? अरे वो ही बुलबुले के किडनैपर्स। किडनैपर्स और भरोसे वाले? हाँ वो लोग सुधर गए हैं, अरे उन बेचारों के पास कोई काम नहीं है। हाँ जानू ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। भाई तुम लोगों ने जो करना है करो यार।
मामू साहब मुलाजम का है। अरे अभी मैंने उन्हें बाहर खड़ा किया है, मैंने कहा है कि अभी ठहरो इंतजार करो, अमीर लोग हैं, इंटरव्यू लिए बगैर अंदर नहीं आने देंगे। ओ यार मैमू साहब आप कभी अमीर आदमी नहीं बन सकते, अमीर आदमी गरीब आदमी को इंतजार करवाता है। अरे और कितना इंतजार करवाएंगे यार, ओ कम से कम 10 मिनट तो उनको इंतजार करवाते ना। चलो 10 मिनट के बाद इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। ओ यार लेकिन 10 मिनट हमारे कैसे गुजरेंगे, आप एक काम करें चाहे उनको लॉन में बिठाए, चले शाबाश चले, और चले यार चले शाबाश बुला दो। देख लो नबील ढंग के लोग होने चाहिए। तुम्हें तूने कौन सी अपनी फूफी की लड़की का रिश्ता देना था, चल पुत्र चल के उनका वो करे। वो क्या बाजी, जो तूने कभी नहीं दिया इंटरव्यू। चले बाजी पूछे। हाँ भाई क्या हाल चाल है तुम लोगों का सुनाओ। ओ माँ जी हाल चाल नहीं पूछना यार। हाँ तो फिर क्या पूछना था। मामू साहब आप पूछे। अरे तुम खुद क्यों नहीं पूछ रहे थे यार जो पूछना है। अरे मामू साहब मेरे पास टाइम ही कहाँ है यार इंटरव्यू लेने के लिए, आपको तो पता है मैं किस कदर मसरूफ हूँ। यार बिजी तो खैर मैं भी बहुत हूँ नबील, सांस लेने की फुर्सत नहीं है मेरे पास। यार मामू साहब अगर हम दोनों इतने बिजी हैं तो फिर इन दोनों का इंटरव्यू कौन लेगा। एक काम करते नबील भाई, मैं इसका इंटरव्यू ले लेता हूँ और ये मेरा कैसा। ओ गॉड मैं पूछ लेती हूँ नबील। जानो पूछो जो पूछना है पूछो, मैं सब कुछ अपने बारे में बताऊंगा, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। नबील इनसे पूछ लेती हूँ। ओ जानू मेरे बारे में इनसे क्या पूछोगी, ये बिल्कुल मेरे बारे में नहीं जानते। नबील मैं इनसे पूछूंगी कि ये काम क्या करते हैं। हाँ काम जाम की बातें तुम ही पूछो जानू। जी बताइए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। हम अगवा कर लेते हैं और चोरी डकैती भी कर लेते हैं। वेरी गुड। और ना जरूरत पड़ने पर हम मोबाइल भी छीन लेते हैं। ओह घर की क्या क्या काम कर सकते हो। हाँ तो ये सारे काम घर में ही तो करते हैं हम। ओए घर के क्या काम कर सकते हो, झाड़ू बर्तन टाकी शाकी ये वाले काम है। अब क्या हम ये काम करेंगे। ओ यार भाई हमारे पास यही काम है, कर सकते हो तो ठीक है वरना निकलो यहाँ से, चलो कोई और दरवाजा देखो। नहीं 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 नबील भाई आप तो नाराज हो रहे हैं, आप बेफिक्र हो जाएं, हम सब काम कर लेंगे। चलो फिर काम शुरू करो। झूले के नीचे से झाड़ू दे। आप झूले के नीचे जाए मैं देता हूँ। मुझे झाड़ू नहीं देनी, झूले के नीचे से कचरा निकालना है। हाँ तो मैं निकालता हूँ ना, आप क्यों निकालेंगी। हाँ तो तुझे ही तो कह रही हूँ हाडराम। ये क्या कर रहे हो। बर्तन धो रहा हूँ। इस तरह बर्तन धोते तो और फिर कैसे धोते। रगड़ रगड़ के दो अच्छी तरह, चक्कर नजर आनी चाहिए इनमें। क्यों आपके घर में आईना नहीं है क्या। बकवास बंद करो, एक तो काम भी कर रहे हो ढंग से, ऊपर से चीप जुकते भी मार रहे हो, जल्दी करो इसके बाद कपड़े भी धोने हैं। जी अरे जल्दी हाथ लगा, पानी का एक कतरा नहीं बचना चाहिए। टंकी में। अरे टंकी में नहीं यहाँ पे, साफ कर अच्छी तरह। अच्छा जी। अरे जोर से हाथ लगा, जान नहीं है कितने में। सारी जान तो झाड़ू लगाने में निकल गई थी। ओए तो अभी तक बाथरूम नहीं साफ कर सका, लॉन की सफाई भी करनी है। मुझे लॉन की करनी है वो सफाई है। और क्या रगड़ाई है जल्दी कर। शाबाश चंडी हो। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा। अबे ये किस काम पे लगा दिया इन्होंने हमें। अरे यार बाथरूम धुलवा रहे हैं, बर्तन साफ करवा रहे हैं, लॉन में झाड़ू दिलवा रहे हैं। अबे हमारी कोई इज्जत ही नहीं है क्या। अबे यार पैसे की इज्जत है। क्या वक्त था वो जब हम लोगों को पिस्तौल दिखाकर लूटा करते थे, कितनी दहशत थी हमारी, लोग हमारी कैसी इज्जत क्या करते थे। अबे इन लोगों ने तो हमें कुत्ता बना दिया है, सचमुच का मोती और टॉमी समझ लिया इन लोगों ने हमें। अबे यार लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ, जितना बड़ा ये घर है इसकी सफाई करते करते तो हम मर ही जाएंगे। अबे इससे तो बेहतर था कि हम इनके घर में डकैती मार लेते। शराफत का ये सिला दिया इन लोगों ने। चल बे चल बहुत हो गई, अब निकाल गन। इनके घर में गन भी है। अबे अपनी गन निकाल, इन लोगों को शराफत रास नहीं आ रही। गन तो है ना तेरे पास। हाँ गन तो है मेरे पास लेकिन गोलियां नहीं है। अबे तूने यहाँ पर क्या गुब्बारे फोड़ने, चल गन निकाल बस। ओए तुम लोग यहाँ बैठे हो, खाना कौन पकाएगा। पत्नी सो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, और सोफों के ऊपर बैठे हुए
मुलाजिम हो गए। बात सुन भाई। हाँ बोल। अबे तुझसे नहीं बोल रहा यार। हाँ भाई, हमसे ये काम हम नहीं होते। ओ भाई, काम नहीं होंगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, सुन लो। पैसे तो तेरे अच्छे भी देंगे बेटा, चल निकाल 50,000। कोई दिमाग चल गया तुम्हारा? सफाई की है या किडनैपिंग की है जो 50,000 रुपया मांग रहे हो? अबे वही तो करने लगे हैं पागल। हम इसे पागल करने लगे? अबे नहीं, किडनैप करने लगे। क्या? चल कमरे में। हाँ आराम करेंगे। ओ, आराम नहीं करेंगे, इसे किडनैप करके कमरे में लेके जाएंगे। अरे हाँ, चल भाई शाबाश, उठ। अबे तू कहाँ जा रहा है? क्या तुम अकेले अकेले किडनैप करोगे? भाई ये चीटिंग है मोती। अबे मैं इसे अंदर लेके जा रहा हूँ, तू इसके घर वालों को जाके बता कि हमने इसे किडनैप कर लिया है। गन इधर दे। ठीक है चल साले, बड़ी अमीरी का भरम मारता ना तू। चल आगे चल। महबूब साहब काम हो गया? जी हो गया। और नबील भाई किडनैप हो गए। क्या? ओए मेरा पुत्र किडनैप हो गया? अरे लेकिन नबील तो अंदर गया था, अंदर से कैसे किडनैप हो गया? हमने किया है किडनैप। क्या? ओए कमीने, तूने मेरे बच्चे को वो किया, मैं तेरा वो कर दूंगी। अम्मा जी, अगर तुमने मुझे वो किया ना तो मेरा दोस्त तुम्हारे बच्चे को गोली मार देगा। ये क्या घटिया हरकत है भाई? अरे घटिया हरकत तो तुम लोगों ने हमारे साथ की थी। कुत्तों की तरह हमसे काम करवाए जा रहे थे, हम अच्छा खासा सुधर गए थे, लेकिन तुम लोगों की वजह से हम तुम्हारा बुरे बनने पे मजबूर हो गए। अच्छा अच्छा, तुमने जो भी किया है ठीक किया है, अब ये बताओ कि हमने क्या करना है? करना क्या है? अब बस तुम सब हमारे फोन का इंतजार करो, बाकी की सारी बातें अब फोन पर होंगी। ओके, अब मैं पिछले दरवाजे से निकलूंगा और बहुत दूर जाके तुम लोगों को कॉल करूंगा। मेरी कॉल का इंतजार करना। बाय। ओए ना कर, इसको भेजे कर, चल जाएगी। मैंने लॉक की हुई है। लॉक की हुई है कहाँ? चाइना का ताला तो नजर नहीं आ रहा। मोची, मैंने इसके घर वालों को बता दिया है कि हमने इसे किडनैप कर लिया है। गुड। और मैंने उन्हें ये भी बता दिया है कि अब हम तुम लोगों को फोन पर बताएंगे कि पैसे कब, कहां और कितने पहुंचाने हैं। सब बता दिया। शाबाश, वेरी गुड। हाँ भाई, अब बता तेरे घर वाले कितने पैसे दे सकते हैं? जितने तुम बोलो भाई। अच्छा, लाख रुपया दे सकते हैं तेरे घर वाले? लाख? लाख क्या, 10,00,000 दे सकते हैं। कितने? अबे 10,00,000। नहीं भाई, मेरे घर वालों को बेशक फोन कर लो। चल चल, जल्दी से फोन मिला। हेलो, कौन बोल रहा है? किडनैपर बात कर रहा हूँ। किडनैपर का फोन है। ओए कमीने, मेरे बच्चे को छोड़ दे। अरे ठहरो, पहले मुझे तो बात करने दो। हाँ। मेरी बात जरा गौर से सुनो। हाँ बोलो भाई, सुन रहा हूँ, गौर से सुन रहा हूँ। हेलो 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 हेलो, अबे क्या हुआ? बैटरी डेड हो गई। अबे ये क्या खाब, 10,00,000 रुपए देंगे, 200 रुपए की बैटरी तो खरीद नहीं सकते ये। अबे मेरे फोन की बैटरी डेड हुई है। क्या? हाँ। अबे तू अब इनके घर वालों से कांटेक्ट कैसे करेगा? हाँ यार, ये तो बड़ी टेंशन हो गई। ओ भाई, कमरे से बाहर निकल के जाओ और उन्हें बता दो। अरे हाँ, क्या आइडिया है। थैंक यू। यू आर वेलकम। आज जा तू जल्दी से जा। ओए रुक, बात सुन, तू बाहर जाके बताएगा क्या? अब यही कि मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई है। अबे ये नहीं बताना। फिर? अबे उनको बोल कि अगर इसकी जिंदगी चाहिए तो फौरन 10,00,000 रुपए का बंदोबस्त करें। ठीक है। और ना कर, चल पड़ेगी। महमूद साहब वो आ गया किडनैपर। हाँ, मैं अभी अभी पिछले वाले दरवाजे से अंदर आया हूँ। तुम लोग ये मत समझना कि हम लोग अंदर हैं। मेरा बच्चा लाके दे मुझे, वापस मेरा पुत्र चाहिए। अरे माँ जी आप रोए मत, बस हमें पैसे दे दें, आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा, हम छोड़ देंगे उन्हें। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? है? बोलो कितने पैसे चाहिए? 20,00,000। डन है। मैंने तो 20,00,000 कहे। हाँ तो दे रहे हैं ना 20,00,000। मैंने 20,00,000। कौन खोल के सुन ले, अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए ना तो तुझे गोली मार दूंगा मैं। और यार पैसे प्रॉब्लम नहीं है, 10-20 लाख रुपए तो मैं तकिए के नीचे रखता हूँ। हैं? हाँ उड़ा ले जा,
हेलो मोती 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 मोती, ओ भाई उड़ जा वरना मैं कमरे से बाहर जा रहा हूँ। भैया उठ जा। What? आप लोगों ने कितने में डन किया? अरे 20 लाख में। देख ले आप लोग मुकरेंगे तो नहीं? अरे मुकरेंगे क्या, हमको थरी है। चलो तो फिर मैं जाके अपने दोस्त मोती को बताता हूँ। जा बता। भाग जा। 20 लाख की बात कर रहे हैं, 20 लाख क्या है हमारे लिए? गरीब लोग। ओए तूने मेरे दोस्त को मारा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और मैंने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा है? मैंने तो इसके सामने 15-20 लाख रुपए रखवाए थे और ये बेहोश हो गया। 20 लाख? हाँ वो पड़े। हेलो हेलो, वो मेरे नोटों में क्या क्लोरोफॉर्म है यार भाई? टोपी टोपी मोती मोती मोती, ओ मामू साहब, ओ मोती, ओ टॉमी। नबील तुम यहाँ? नबील इन लोगों ने तुम्हें किडनैप करके यहाँ रखा हुआ था। हाँ मामू साहब। भाई मेरा पुत्र तो जिंदा है। हाँ माँ जी, मैं मूसा इन दोनों को उठवाए यार। ये दोनों यहाँ क्यों सो रहे हैं? ओ माँ जी ये सो नहीं रहे, बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में बेहोश हुए हैं। ओ चले यार, मैं मूसा अगला सीन उधर करने हैं, इनको उठाए यार उठे। ये अली जान बड़ी मुशक्कत करवा रहा है। मैं मूसा जरा टीनों पे त्रौंका लगाए। ओए चलो उठ। ये हम कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है? उठो मुर्गियां चुराने वालों गरीबा, उठो स्टैंड अप। ओए ओए तू बाहर कैसे आया और वो भी पैसे दिए बगैर? ओए पैसे ये पड़े, उठो निकलो यहाँ से। अरे तू नहीं मोती। थैंक यू नबील भाई, अल्लाह ताला आपको 1000 साल की उम्र दे, आपके बच्चे को आबाद रखे। चल टू शॉर्ट में। अबे यार ये बुलबुल वाले कितने अच्छे, एक झटके में 20 लाख रुपए दे दिए। अबे रुक, क्या हुआ? जरा यार मैं ये सोच रहा हूँ, इन लोगों ने इतनी आसानी से 20 लाख रुपए दे दिए, सोच इन लोगों के पास कितना पैसा होगा। यार ये हम क्यों सोचे, खुदा ताला इन्हें और दे, बल्कि मैं तो इनके लिए हर नमाज में दुआ करूंगा। चलो अबे रुकना, क्या हुआ? तू तो हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार रहता है, मैं अब इनसे 1 करोड़ रुपए मांगूंगा। अबे मोती फिर से बेहोश कराएगा क्या? अबे चल तू मेरे साथ डरपोक, आजा चल 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 जल्दी चल। शुक्र है 20 लाख देके जान छुटी। हाँ जानू। नबील मैंने तुम्हें कहा अभी था कि देखभाल के नौकर रखना। यार गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और एक गलती हमसे भी हो गई है। अरे अब क्या हो गया टींडे? बात ये है कि थोड़ा सा हमारा प्लान चेंज हो गया है, अब हमें 20 लाख रुपए नहीं, हमें अब 1 करोड़ रुपया चाहिए। क्या भाई 1 करोड़ रुपया किधर से लाएंगे हम? हमें पता है तुम लोगों ने ना बहुत सारा माल छुपा के रखा हुआ है। अबे नहीं है भाई। हाँ हमने बोतल जो बंद कर दी है। बोतल? ओए कौन सी बोतल? वही जिसमें हमारी सारी दौलत बंद है। ओ माँ जी ये क्या कर रही हैं आप? ओए वो कौन सी बोतल है? मुझे वो बोतल चाहिए वरना मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। तुम्हारी माँ में मरने के लिए अकेला छोड़ के चली गई है। यार आप ही तो कह रहे हैं मुझे क्यों छोड़ गई, मैं तो उनका बेटा था। मैं तो ये बोतल लेने गई। हाँ ये बोतल लेके आ गया। बोतल लेके, बोतल लेके, बोतल लेके, बोतल लेके, बोतल लेके, बोतल लेके। और साल में तुम लोगों ने जेल आजाद कर दिया। अबे तुम लोगों ने मुझे बोतल में बंद किया, अब देखना तुम लोगों के साथ करता क्या हूं मैं। बल्कि तुम लोग भी देखो मैं इन लोगों के साथ करता क्या हूं अगले एपिसोड में। चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं है बबल।